Hey guys, what's up? तो बहुत दिन से कलर ग्रेडिंग के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, तो आज मैंने सोचा कि एक ऐसा टोन बनाया जाए जिसमें लग्जरी जैसा फील आए। दिखने में ब्लॉगी होगा लेकिन फील लग्जरी जैसा आएगा। तो इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने के लिए आपका जो बैकग्राउंड होना पड़ेगा वो कोई बिल्डिंग वगैरह या कुछ ऐसा कुछ हो तो ज़्यादा सही होता है, या आपका कोई टूटा फूटा जगह, कोई गाड़ी वगैरह, तो इसमें बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर आपको एडिटिंग करना बहुत दिक्कत लगता है तो आपके लिए नीचे प्रीसेट है, आप उधर से कॉपी करके पेस्ट कर देना। तो प्रीसेट कॉपी करने से पहले वीडियो एक बार फुल देख लो, क्योंकि प्रीसेट के बारे में भी मैंने लास्ट में कुछ बोला है, क्योंकि हर एक फोटो में सही नहीं होता। तो चलो देखते हैं फोन के स्क्रीन पर। तो फोटो पहले से लाइट रूम पर शेयर कर चुका हूँ, तो पहले क्या करेंगे, लाइट को एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले जाऊँगा लाइट पर, लाइट पर जाने के बाद इधर एक्सपोजर थोड़ा कम लग रहा है तो एक्सपोजर को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसको कर दूँगा 50 करने के बाद करूँगा कंट्रास्ट को थोड़ा हाई कर दूँगा, कंट्रास्ट को भी कर दूँगा 50, अभी हाईलाइट को थोड़ा कम ज़्यादा करके देखता हूँ, कम ही ठीक लग रहा है तो हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर दिया, -39, एंड शैडोज को कर दूँगा 20, और वाइट को कर दूँगा माइनस, फुल माइनस कर दूँगा, एंड ब्लैक को कर दूँगा थोड़ा प्लस, ब्लैक को कर दूँगा 30। तो लाइट एडजस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी जाऊँगा कलर पर, कलर पर जाने के बाद जाऊँगा डायरेक्ट मिक्स कलर पर। अभी जाऊँगा सेकेंड वाला टूल जो आपको कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर पर जाने के बाद ह्यू को कर दूँगा -10, एंड लेमिनस को कर दूँगा +10, एंड अभी जाऊँगा रेड कलर पर, रेड कलर पर जाने के बाद सेचुरेशन को कर दूँगा 50 करने के बाद आप देख सकते हो लिप्स कलर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो बाद में कम हो जाएगा। तो अभी लेमिनस को कर दूँगा 10, 10 करने के बाद अभी जाऊँगा येलो कलर पर, येलो कलर पर जाने के बाद आपको ह्यू कर देना है पूरा माइनस, एंड सेचुरेशन को भी माइनस, और बाकी जितने भी कलर है सब आपको सेचुरेशन माइनस कर देना है, पूरा माइनस कर देना है। तो इस तरह से करने के बाद इसको कर देता हूँ डन। डन करने के बाद आपको टेम कर देना है इनक्रीस 10, और वाइब्रेंस को कर देना है माइनस की तरफ 22 हो गया। अभी सेचुरेशन को भी कर दूंगा माइनस की तरफ, तो कितना कर दें तो 24, ठीक ठाक लग रहा है, तो इसको भी कर देता हूँ डन। डन करने के बाद अभी हमारा जो लास्ट है वो है इफेक्ट एंड डिटेल, तो पहले जाऊंगा डिटेल पर, डिटेल पर जाने के बाद शार्पिंग को थोड़ा हाई कर दूंगा 66, एंड मास्किंग को थोड़ा कर दूंगा, और कलर नाइसिटेशन कुछ नहीं करूँगा, इतना सेट करें नहीं करूँगा, तो इसको करता हूँ डन। ये भी सिंपल तरीके से हो चुका है। अभी जो बाकी पार्ट है वो इफेक्ट, इफेक्ट पर जाना है, इफेक्ट पर जाने के बाद आपको कर देना है क्लैरिटी को थोड़ा हाई, क्लैरिटी करूँगा 20 करने के बाद ठीक ठाक लग रहा है। अभी जाऊँगा डैश पर इंक्रीज, थोड़ा इंक्रीज कर दूँगा, करके देखता हूँ कितना होता है, तो 30 करने के बाद ठीक ठाक लग रहा है, अभी देख सकते हो। अभी इसको भी कर दूँगा डन। डन करने के बाद अभी जो लास्ट हमारा प्रोसेस है वो होगा कलर ग्रेडिंग, तो जाते हैं कलर पर, कलर पर जाने के बाद कलर ग्रेडिंग कर लेना है। तो फास्ट जो है वो शेडो, शेडो को कर देंगे ब्लू के, ब्लू कलर पर रखेंगे इस तरह से, हल्का ब्लू कलर पर रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद जो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग को कर दूंगा पूरा हाई 100, पूरा 100 कर दूंगा। 100 करने के बाद अभी जाऊँगा इस हाईलाइट पर, हाईलाइट पर जाने के बाद हाईलाइट भी आपको कर देना है ब्लू की साइड, इस तरह से, इस तरह से ब्लू की साइड रख देना है। तो आप देख सकते हो मैं कितना नीचे रखा, आपको भी इसी तरह से रखना है। रखने के बाद हमारा फोटो बन चुका है, इसको करते हो डन। डन करने के बाद जो फोटो है एक बार आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ, आप बिफोर देख सकते हो और आफ्टर देख सकते हो। हमारा जो लग्जरीज ब्लैक है वो बिल्कुल आ चुका है, लेकिन जो गर्दन के नीचे आपको दिख रहा है थोड़ा रेड ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो आपको जाना क्या है, सिलेक्टिव टूल पर जाना है, जाने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है एंड सिलेक्ट कर लेना है, करने के बाद इस जगह सिलेक्ट कर देना है और सर्किल को आपको इस तरह से छोटा कर लेना है। करने के बाद कलर पर जाना है, कलर पर जाने के बाद आपको सेचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना है, थोड़ा माइनस कर देना है, मैंने 19 माइनस कर दिया। तो करने के बाद इसको करता हूँ डन। तो हमारा फोटो कंप्लीट एडिट हो चुका है, तो इस फोटो को क्या करूँगा, कॉपी करके 2-3 फोटो पर ट्राई करके देखता हूँ कि कैसा होता है। क्या होता है कि सेम लोकेशन पर और भी फोटो होता तो सेम ही होता है, लेकिन जितने भी फोटो है मेरे पास सब अलग अलग लोकेशन पर, तो फिर भी ट्राई करके देखता हूँ कैसा होता है।
तो इसको कर लेता कॉपी, तो 3.4 क्लिक करूँगा। करने के बाद इधर से कॉपी कर दूँगा, डन। कॉपी करने के बाद बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद इधर आप देख सकते हो 4 फोटो है। ये फोटो मैं काली पोस्ट किया था, तो इस पर क्या करूँगा, पेस्ट करके देखता हूँ कैसा होता है। तो 3.4 क्लिक करना है, करने के बाद पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देख सकते हो फोटो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन थोड़ा कंट्रास्ट कम है। पहले इसको एक बार ऑटो करके देखता हूँ। ऑटो करने के बाद इतना ठीक नहीं लग रहा है, तो एक बार कंट्रास्ट को थोड़ा प्लस ज़्यादा करके देखता हूँ। तो प्लस करने के बाद और एक्सपोजर को थोड़ा माइनस करने के बाद देख सकते हो फोटो ठीक ठाक है, बन चुका है। ये फोटो भी मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखा तो आपको पता होगा। तो इसको 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, इधर से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद देख सकते हो ये ओवर वाइट हो चुका है एंड ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको एक बार ऑटो कर देता हूँ। ऑटो करने के बाद देख सकते हो फोटो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ऑटो करने के बाद क्यों ठीक लग रहा है, इसका एक पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। आपको लाइट पर जाना है, लाइट पर जाने के बाद आप देख सकते हो ऑटो करने के बाद जो लाइट एडजस्ट है वो ऑटोमेटिक हो जाता है आपके फ़ोटो हिसाब से। बस जो लाइट एडजस्ट है वही हो जाता है, और बाकी जितने भी प्रोसेस है वो कोई कुछ भी छेड़खानी नहीं होता, बस लाइट एडजस्ट अपने आप हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया है, आपको एक बार बैक करके देखा जाता हूँ। अब बैक करने के बाद देखना जो लाइट एडजस्ट है वो पहले जैसा हो जाएगा, देख सकते हो। अभी फिर से अभी देख सकते हो, ऑटो करने के बाद ये सेटिंग अपने आप हो गया, जो लाइट एडजस्ट है वो अपने आप कर लिया। तो और एक फ़ोटो पर ट्राई करके देखता हूँ, इस फोटो पर ट्राई करके देखता हूँ। 3 डॉट एंड पेस्ट। इस फोटो पर भी ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो इस पर भी ऑटो कर दूंगा। तो ऑटो करने के बाद देख सकते हो फोटो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। क्या होता है अगर आप एक ही लोकेशन पर 2-3 फोटो क्लिक कर लिया, उसमें से एक फोटो एडिटिंग कर लिया और उसी फोटो को कॉपी करके अपने सारे फोटो पे पेस्ट कर दोगे तो रिजल्ट सेम ही होगा। लेकिन आप अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग टाइम पर आप फोटो क्लिक करोगे, उसमें से एक फोटो एडिट करके सारे फोटो में पेस्ट करोगे तो वो सेम नहीं होगा, क्योंकि हर जगह टाइम हिसाब से जो लाइट एडजस्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए अगर आप प्रीसेट कॉपी करते हो तो ठीक नहीं होता, तो आप कंट्रास्ट को थोड़ा हाई करके देखना और लाइट एडजस्ट थोड़ा ठीक करके देखना, ऑटो करके देखना। अगर ठीक हुआ तो लाइट एडजस्ट ठीक करके देखना, तो प्रीसेट आपको नीचे मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड कर लेना। तो आज के वीडियो से आपको थोड़ी सी भी काम की लगी तो एक लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। अगर आप पहले से करके रखे हो तो दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो।